मैंने गांव के लोगों से सुना था, हर 7 जुलाई को यहाँ पे लोग आके उनके विशेष लिखते हैं और उसे इस पेड़ पर लटका देते हैं ताकि उनके प्यार करने वाले आके उसे पूरा कर सके। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई अपना मुझे किस करे। पहले तो हम दोनों के बीच रोज बातें होती थी, लेकिन अब 1 हफ्ते से मेरी कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब वो? बिल्कुल भी नहीं। उसने हम दोनों से वादा किया कि वो वापस आएगा। ये क्या हो रहा है? सिग्नल भी नहीं है। ये कहाँ गई? कामू, शैनचैन। मुझे पता है तुम्हारे हेल्थ के साथ कुछ गलत हुआ है और तुम अब्रॉड तुम्हारे काम के लिए नहीं जा रहे हो, बल्कि ये सर्जरी के लिए जा रहे हो। तुमने मुझे नहीं बताया क्योंकि तुम जानते थे कि मैं डर जाऊंगी। लेकिन ये तो ऑब्वियस ही है ना, ये पता चलने के बाद मैं डर जाऊंगी। लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। ये 5 साल पहले की बात हो या अभी की, मुझे सिर्फ तुम ही से शादी करनी है। अगर तुम भी यही सब कुछ चाहते हो तो एक बार अपने पीछे मुड़ जा। डॉक्टर चेकिंग कर रहे हैं और उन्हें होश आ गया है। चिंता मत कीजिए प्रेसिडेंट, मैं आपको बाद में अपडेट करता रहूंगा। कैसा है वो? अंदर जाके देख लो। तुम यहीं पर रुको। अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं, खुद को ज्यादा ही एक्सर्ट कर लिया मैंने। कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा रेस्ट करके। तुम उस वक्त मुझसे क्या पूछने वाले थे? कुछ नहीं, खराब टाइमिंग। कोई बात नहीं, तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा जब मैं भी अच्छे मूड में होंगी। मुझे सवाल याद नहीं। तुम बात कर लो, मैं आती हूँ। सारी चीजों का इंतजाम कर दिया? मुझे एक और दिन का वक्त देना। ठीक है। कितना बुरा है
मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ, पर मैं उसे ये बता नहीं पाई। हाल में ज्यादा काम करने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं। पिछले चेकअप के दौरान मिस्टर याओ ने उन्हें वार्न किया था, उस समय उनकी कंडीशन इतनी खराब नहीं थी। तो फिर उसकी अभी की कंडीशन क्या है? ऑपरेशन जल्द ही करना होगा, वरना जो आज हुआ है वो फिर कभी भी हो सकता है, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है, यही ना? अगर उन्हें यहीं पर इलाज कराना है तो हमें उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स को चेक करके सर्जरी के लिए प्लान करना होगा। मैं ये सलाह दूंगा कि एब्रॉड जाकर ही वो पिछले सर्जन से ही अपनी सर्जरी करवा ले, यही अच्छा सलूशन है। फिर इसके चांसेस कितने होंगे? हर सर्जरी में रिस्क होती है, स्पेशली जिसमें हार्ट इन्वॉल्व हो। शुक्रिया। उठ गई तुम? ये क्या है? मैं बिल्कुल ठीक हूं, मिस्टर याओ ने मुझे रिहा कर दिया। भरोसा नहीं तो डॉक्टर ज़ू से पूछ लो। नहीं, जरूरत नहीं। तो फिर घर चले? लेकिन कंपनी से हाड़ी का कॉल आया था, कुछ काम आ गया है उनका, इसके लिए मुझे हेडक्वार्टर्स जाना पड़ेगा कल। सब ठीक होगा, जो चाहे वो करो। शैनचान और मैं यहीं पर है। हमारे पास एक और दिन है। हाँ, जब मैं स्टूडेंट थी मैंने खुद के लिए यही सोचा था कि जब मेरा बॉयफ्रेंड होगा तो एटलीस्ट लाइफ में एक बार उसके साथ सनसेट और सनराइज देखूं। लेकिन मुझे नहीं लगता आज हम देख पाएंगे उसे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नहीं भी देख पाए, हमारे पास पूरा फ्यूचर है। मैं वादा करता हूँ इस बार आऊंगा तो पूरा तंदुरुस्त बन के आऊंगा और हर सनराइज और सनसेट को साथ मिलकर देखेंगे। मुझे और भी कुछ दिखाना है, आओगे मेरे साथ? और वो क्या है? वो सीक्रेट है। ठीक है। हाँ चलो आराम से। अरे तुमने तो कहा ये दो लोगों का गेम है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़े पेशेंस रखो ना, पता चल जाएगा। धीरे आना, यहाँ पर पीछे हो जाओ, यहीं पर रुको। पांच तक गिनने के बाद ही अपने आंखों की पट्टी निकालना, ठीक है? ठीक है, पांच तक ही गिनना है। समझ गया। पांच, चार, तीन,
एक मैं खोल रहा हूं। शिंची, मुझे पता है तुम्हारे हेल्थ के साथ कुछ गलत हुआ है और तुम अब्रॉड तुम्हारे काम के लिए नहीं जा रहे हो बल्कि ये सर्जरी के लिए जा रहे हो।
बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ने वाला ये। वो इसलिए क्योंकि उसमें मेरे जीन्स जाता है। इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? उसका नाक देखो और मेरा देखो, ये बिल्कुल मेरी तरह दिखता है बचपन में। उसकी आंखें तो मेरी तरह है, खूबसूरत और साथ में प्यारी भी। इसका दिमाग मेरा है, मेरा तो पूरा शातिर दिमाग पाया है इसने। अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, और ये तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुमने। सबसे शातिर तो मैं हूँ, जानते हो ना, मैं R&D में हूँ। हाँ, मैं दोनों के लिए बेस्ट हूँ ना। मुझे नहीं पता ये बड़े ऐसे क्यों होते हैं, हमेशा बड़बड़ करते हैं। कब बड़े होंगे? बोल क्या रहा है ये? मुझे अब रिग्रेट हो रहा है कि जब तुम वापस आए थे मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी। अभी देर नहीं हुई है, मैंने वादा किया है जब मैं पूरी तरह ठीक होकर वापस आऊंगा मैं अपने हाथों से तुम्हें अंगूठी पहनाऊंगा। शनशन को बढ़ते देखूंगा तुम्हारे साथ, साथ में बूढ़े होंगे हम। इंतजार करूंगी, लेकिन ज्यादा देर मत करना। नहीं करूंगा, मुझे भी तो लौटना है। सो जाओ अभी। शिंची, उठ गई तुम? शिंची तुम कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूं। लेकिन क्यों, हमने अग्री किया था ना, तुम हमें बिना बताए नहीं जाओगे। अगर तुम दोनों आओगे तो शायद मैं छोड़ के जा नहीं पाऊंगा। अगर तुम्हें ऐसा ही लग रहा है तो हमारे लिए जल्दी वापस आ जाना। समझ गया। क्या इससे पहले मैंने कोई प्रॉमिस तोड़ा है? शिंची, आई लव यू। आई लव यू टू। शनशन के साथ मेरी राह देखना, ठीक है? चिंता मत करना, इंतजार करूंगी। संभल कर जाना। सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे AI मॉडलिंग टेक्नोलॉजी टेस्टिंग के लिए 1 हफ्ते से भी कम टाइम बचा है, इसलिए आज से पूरी हिम्मत के साथ मेहनत और डेडिकेशन सब एक साथ यूज करके अपना बेस्ट दो। हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। Thank you.
हार्ट मॉडलिंग टेक्नोलॉजी जो बी एजाइल मेडिकल टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है उसे लॉन्च करने के बाद बहुत सफलता मिली है। एआई का इस्तेमाल हार्ट डिसीज को प्रिडिक्ट, एनालाइज और ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इससे क्लिनिकल केयर में एफिशिएंट और एक्यूरेट डेटा मिलता है। हमें विश्वास है कि बी एजाइल मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ी क्रांति लाएगा। अब तक क्यों नहीं आई ये? कामू, कहाँ थी तुम? इतना लेट क्यों कर दिया तुमने? क्या हुआ, मुझे कहाँ लेट हो गया? जरा देखूं तुम्हें। मिस काव ने मुझे स्पेसिफिकली कहा है कि यहाँ पर आते समय अच्छे से ड्रेसअप करके आना, क्योंकि ये हमारे क्लाइंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बताइए। वैसे ठीक है, लेकिन थोड़ा प्लेन है। क्या प्लेन लग रहा है तुम्हें? शिंची जाने के बाद मैंने ऐसा ड्रेसअप कभी नहीं किया। अच्छा सुनो, शिंची की बात निकली है तो वो कैसा है अब? कुछ दिन पहले हार्डी ने कहा था कि उसे होश नहीं रहता, इसलिए आराम की ज़रूरत है। पहले तो हम दोनों के बीच रोज़ बातें होती थी, लेकिन अब एक हफ्ते से मेरी कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब वो? बिल्कुल भी नहीं। उसने हम दोनों से वादा किया कि वो वापस आएगा। वो ज़रूर आएगा। चलो अब मूड मत खराब करो। फिर कभी ऐसी बातें मत करना। बिल्कुल नहीं बोलूंगी, चलो। अरे रुक जाओ। क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या? तुम ऊपर जाओ, मैं भी चलती हूँ। जरूरत नहीं, मैं उस क्लाइंट से पहले नहीं मिली हूँ। 20th फ्लोर। क्या हो रहा है? सिग्नल भी नहीं है। चैन, ये जरूर कामू है। पता नहीं क्या करना चाहती है। लेफ्ट जाना है ना? मिनहुई, बस सीधी चलती जाओ। समझ गई। मिनहुई, जल्दी जल्दी आओ। हाँ हाँ पता है, आ रही हूँ। ये कहाँ गई? कामू, शैन चैन, मिनहुई,
मम्मी और पापा के शादी में आने के लिए थैंक यू। सिंडी बुआ आज यहाँ पे नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं सबसे लकी बच्चा हूँ, क्योंकि हर किसी बच्चे को अपनी मम्मी पापा की शादी अटेंड करने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं ये विश करता हूँ कि मेरे मम्मी और पापा इस शादी के बाद हमेशा खुश रहे और मुझे जल्दी से छोटी बहन मिल जाए। अरे इसे किसने बताया? शिनची, क्या तुम मिनहुई को अपनी कानूनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हो? और मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकता। और अच्छे और सारे बुरे समय में, पैसे हो या ना हो, आज से हमेशा के लिए मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, प्यार करूंगा, जब तक कि मेरी सांसें चल रही हैं। मैं मिनहुए तुम्हें अपना पति मानती हूं, दुख में हो या फिर सुख में, अच्छे या बुरे स्वास्थ्य में, चाहे हम बूढ़े हो या बोरिंग, तुम आज से और अभी से जिंदगी भर के लिए मेरा सच्चा प्यार रहोगे। मेरी मिनहुई है। क्या बोल रहे हो तुम भी? मुझे ही चाहिए। अरे अरे चामू, एक बेट लगाते, मैंने कैच किया तो शादी करोगी। ठीक है।
हर 7 जुलाई को यहाँ पे लोग आके उनके विशेस लिखते हैं और उसे इस पेड़ पर लटका देते हैं ताकि उनके प्यार करने वाले आके उसे पूरा कर सके। क्या सच में? क्या तुमने मेरे लिए कुछ लिखा? ऑफ कोर्स, मैंने भी एक लिखा है। ढूंढ के दिखाओ तो मेरा वाला। अच्छा रुको, देखती हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई अपना मुझे किस करे। ये तो पहली बार में मिल गया। तुमने लिखा है ना? अब तुमने तो जाके सेलेक्ट किया ना? हाँ। तो बराबर है। अच्छा लिखा है। क्यों ना हम एक और कार्ड चुने? क्या यहाँ पर और भी है? मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कुछ ज्यादा ही था। अरे ये तो सारे तुम्हारे कार्ड्स हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? मेरे कई सारे विशेस हैं। अब मैं तुम्हें कोई किस नहीं दे रही हूँ, तुम ये चीटिंग कर रहे हो। अरे ठीक है, क्यों ना हम अच्छा मैं एक सेलेक्ट करूँ तो? इस साइड से कोई भी नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक, देखो तो जरा एक पिकअप करूँ। कोई तो मिल जाए, आंखें बंद है मेरी, स्पेशल मिल जाए। ये भी तुम्हारा है? नहीं ये देखो, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा अपना मुझे एक किस दे। अच्छा ये मिन होए। अब ये मैंने कब लिखा? क्या फर्क पड़ता है? चीटर। तो फिर तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी विश क्या है? तीसरी भी किस चाहिए? नहीं मैं पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे साथ ही देखना चाहता हूँ। ओके वादा करती हूँ। शांचुन, ये वही जगह है जहाँ तुम्हारी माँ और मैं मिले थे। खूबसूरत है ना? हाँ है, पर मेरी छोटी बहन से ज्यादा नहीं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत सारी शॉपिंग करूंगा, तुम्हारे लिए अच्छे से ड्रेस और बहुत सारी डॉल्स लेके आऊंगा, और मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशनसीब प्रिंसेस बनाऊंगा। शांचुन, अब ये बात मैं तुम्हें और कितनी बार बताऊं? ये तुम्हारा छोटा भाई है, कोई बहन नहीं। कब से यही बोले जा रहे हो? फिर भी मुझे छोटी बहन चाहिए। ये नहीं हो सकता। शायद हमारे बेटे के पास एक अच्छा सुझाव है। तुम ये सब क्या बोल रहे हो शिंजी? क्यों ना हम एक और बार ट्राई करें? अरे बस भी करो ना अभी। नहीं देखो कितना बुरा लग रहा है उसे। उसे और बुरा? जरा फिर से कहो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी माँ ने हाँ कहा? मैंने कब हाँ कहा? कोई बात नहीं, मैं मेहनत कर लूँगा। शिंची तुम चुप हो जाओ, ये सब बातें तुम बच्चों के सामने मत किया करो। बेचारा मैं। चुप रहो। अरे हमारा बच्चा। तुम्हारी गलती।